सुनो, तुमसे कोई मिलने आया? निधि, तुम्हारी इशिता, तुम भूल नहीं पाती हो ना मुझे, हमारे परिवार को। तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम हमेशा कोशिश करती रहती हो हमारे करीब रहने की। क्यों इतने प्लान्स बनाती रहती हो तुम? सुहेल, तुम्हारा भाई, जिसके जरिए तुमने एक नई साजिश बनाई हमसे बदला लेने की, तुम्हें ऐसा क्यों लग गया कि इस बार फिर से तुम सफल हो जाओगी? तुम्हें क्यों लगा कि तुम हमें हरा दोगी? I'm sorry निधि, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, तो प्लीज इसको अब तुम अपना आखिरी ट्रायल मानना। दोबारा हमारे परिवार के करीब आने की अब कोशिश मत करना निधि। तुम कब बदलोगी शिखा? तुम सबको अपनी तरह बेवकूफ क्यों समझती हो? क्योंकि तुम्हें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पता चल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तुम्हें लगा सब खत्म, निधि का खेल खत्म, अब क्या करेगी बेचारी? सड़ेगी वापस से जेल में जैसे सड़ रही है अभी, है ना? तुम्हें पता है शिता, मैंने इस जेल में 1 साल 3 महीने और 17 दिन काटे हैं और काट रही हूँ। दम घुटता है यहाँ, सांस नहीं ले सकता इंसान, करने को कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ सोच सकता है कोई भी इंसान जेल में रहने वाला। और वैसे ही मैंने सोचा और एक प्लान बनाया, और तुम्हें लगा कि तुम मेरा प्लान फ्लॉप कर दोगी। जो टाइम मैंने इस जेल में निकाला है ना, उस हर एक पल का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अभी सिर्फ ये पता चला है, इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि सोहेल मेरा भाई है, तो क्या हुआ? उससे क्या प्रूफ करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना प्लान बता सकती हूँ पूरा, अभी इस वक्त। उस प्लान का जो पहला पत्ता मैंने फेंका था ना, वो ये था कि रूही सोहेल के प्यार में पागल हो जाए। पर देखो, हो गई वो पागल उसके प्यार में। क्या है ना इशिता, ये मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, प्यार। और ये मुझसे और तुम्हारे से अच्छी तरीके से और कौन जान सकता है? तुम और मैं एक ही तो नाव पे सवार थे, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नाव किनारे लग गई और मैं बीच में रह गई, यहाँ इस महल में जहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही इंसान से तो प्यार किया हम दोनों ने, रमन। इशिता, अगर आदमी अच्छा मिले ना तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है, और अगर अच्छा ना मिले तो ऐसी हो जाती है। नाउ आई विल मेक श्योर कि जैसे मैं तड़पी हूं ना इस जेल में, जैसे तुमने मुझे इस जेल में भिजवा के तड़पाया है, वैसे ही तुम्हारी बेटी तड़पे, क्योंकि अब मैं वार तुम्हारी दुखती रग पे करूंगी। रूही, तुम्हारी प्यारी बेटी, जैसे मैं सड़ी हूं ना इस जेल में, अब तुम्हारी बेटी आएगी और वो सड़ेगी इस जेल में। जरा उसे भी तो पता चले और तुम्हें भी तो पता चले कि यहां पे रहना किसे कहते हैं। तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारी बेटी के साथ, और ये मेरा चैलेंज है। मेरी बेटी से दूर रहना, उसे हाथ भी मत लगाना, मेरी वार्निंग है ये। क्या कर लोगी तुम? कुछ कर सकती हो सिवाय ये पता लगाने के अलावा कि मेरा भाई सोहेल है? तुम्हारे पास और कुछ नहीं है हमारे खिलाफ सबूत कहने के लिए। इशिता, अल्लाह कर जाओ और अपनी बेटी को जितना प्यार और दुलार दे सकती हो ना, उतना दो, क्योंकि अब उल्टी गिनती चालू।
क्योंकि तुम्हारी बेटी तो अब यहीं आएगी इसी जेल में और सड़ेगी। I'll make sure आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्ते। सॉरी बोलने से क्या होगा? मेरी एक्स वाइफ ने मुझे उस औरत के साथ में तुम्हारे होटल के रूम में देखा। सॉरी बोलने से क्या होगा? कौन थी वो औरत? क्या करी थी मेरे रूम में? और क्या मिला था उसने मेरी कॉफी में जो मैं बेहोश हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या करते हो तुम लोग अपने होटल में? यही सब करते हो तो एक अच्छे भले इंसान का नाम खराब करते हो तुम लोग। राणा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? चाहता नहीं हूं मैं, कह रहा हूं तुमने फंसाया मुझे। तुमने भेजा था उस औरत को मेरे रूम में। बुलाओ उसको, पूछो उससे क्या करी थी मेरे रूम में। मैंने उसको बुलाने भेजा, सब क्लियर हो जाएगा और हमें भी अपने इस होटल का नाम खराब नहीं करना है। सर वो नीता नहीं है, वो शायद चली गई। मतलब गई साहेब, चेंजिंग रूम में उसका सामान भी नहीं है। यहाँ इतनी बेइज्जती हुई उसकी, शर्मिंदा होकर चली गई वो। मेरी कॉफी में नशे की दवा मिलाकर वो भाग गई यहाँ से। आप लोग शक्ल देख रहे हो दूसरे की और शर्मिंदा हो गए। सर प्लीज बुलाओ उसको, बोला तुम्हारे होटल की ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। सर आप शांत हो जाइए, मैं नंबर लगाता हूं ना उसका। मैं उसे खुराना साहब, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। और प्लीज हमें भी एक मौका दीजिए पता करने का आखिर हुआ क्या है। और पुलिस को आप इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। कल तक का टाइम दे रहा हूं, पता करो वो कौन थी, मेरे रूम में क्या कर रही थी। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। सर ये किसी की चाल है, मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर सकता है? कुछ भी हो जाए हमें डिस्टर्ब मत करना। हम लोग नहीं करेंगे आप लोगों को डिस्टर्ब। आलिया आदि, तुम्हारी रूम की चाबियां। थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट। तुम भी रूम में जाओ, मैं बाहर टहल के आता हूँ, रात करके थक गया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पे चलती हूँ, मुझे भी अनीस। शगुन मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं मेरा सर दुख रहा है तो मैं रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। You carry on. That tattoo. ये तो वही टैटू है जो साधमी के हाथ में था। सीसीटीवी में जो टैटू दिखा था सेम था। कहीं रूही के एमएमएस के पीछे इसका हाथ तो नहीं? मैम, आज के दिन पूल क्लोज्ड है और रात को हम किसी को भी पूल यूज नहीं करने देते हैं। सो प्लीज आप सुबह। एक्चुअली मुझे पूल यूज नहीं करना, वो यहाँ पूल साइड एक आदमी बैठा हुआ है, उसे मैं जानती हूँ शायद, तो उसे मिलना चाहिए। कौन आदमी? वो आदमी यही था। मैम आप किस आदमी की बात कर रही है? देखिए वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वही जिसके हाथ में टैटू था, वो व्हील चेयर पे था, आपने उसे देखा होगा, वो दो सेकंड पहले तक यहीं पर था। मैम कौन सा आदमी, और यहाँ पर कोई नहीं है। प्लीज मैम आप जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक गो।
गलती के चक्कर में ना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। गोली पकड़ो, गोली पकड़ो। शिता, अगर हमें दुश्मनों से लड़ना है ना तो हमें उनकी तरह स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। दुश्मनों से लड़ने की ताकत? ये ईश्मा और पापा क्या कह रहे हैं? इनका दुश्मन कौन है? मिलो शिता, चलो दवाई लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अब्बा, सिमर रुक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे मिलने आ रही थी। मुझसे? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, वो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ आंटी। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं चलूं? कोई बात नहीं, दो मिनट। हाँ, क्या हुआ? बंधु की अम्मा मिली थी। अच्छा, उनका डायमंड नेकलेस देखा। वाओ, इतना अच्छा, वेरी नाइस। क्या क्वालिटी है डायमंड की, सुपीरियर है एकदम। बंधु की अम्मा ने बताया वो डायमंड सप्लायर को तुम जानती हो? गौरव। हाँ, गौरव बजाज। हाँ, दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ, दोस्त है। हाँ, तो देखो सिमी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपने लिए एक डायमंड नेकलेस बनाऊं। नंबर दोगी मुझे उसका? ठीक है आंटी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं आपको नंबर मैसेज कर देती हूँ, प्लीज। हाँ। अरे अरे अरे, रुको, तुम जानती हो ना उसे, तो मुझे डिस्काउंट तो दिलवा सकती हो ना? हाँ, स्पेशल फ्रेंड जो है तुम्हारा। स्पेशल फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड है वो मेरा, आपको नंबर चाहिए मैं दे दूंगी। अरे अरे ध्रुव, मैं जानती हूँ ना वो तुम्हारा कैसा फ्रेंड है, क्या फ्रेंड है। हा? तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। अरे देखा ना कल मैंने तुम दोनों को देखा, कितने अच्छे लग रहे थे मालूम है एक साथ। हा? चलो अच्छी बात है, तुमने सोच लिया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अरे वैसे भी वो परम है ना तुम्हारे लायक है ही नहीं। सेकंड, आई थिंक आप अपना दिमाग ना बहुत ज्यादा लगा रहे हो। मैं और गौरव सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन एक बात बोलूं, गौरव बहुत अच्छा लड़का दिख रहा था, सोचने में क्या हर्ज है। हाँ, मतलब बुरा मत मानना सिमी, मैं जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ। हो गया, सोचो उसके बारे में, अच्छा है लड़का। तो तुम्हें साइड सीन के टूर पे जाना है? कौन समय जाना चाहिए? बिकॉज यही बेस्ट वे है शगुन आंटी और अप्पा को साथ लाने का, थोड़ा प्राइवेसी देने का। व्हाट डू यू थिंक? तभी शगुन आंटी और अप्पा को प्राइवेसी मिलेगी, राइट? चलो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं, बस निकलने वाले हैं। आजी हाल है, किधर आ रहा? अरे जल्दी आओ, देखो ये देखो, एक पूरे दिन का एक्सकर्शन है, आसपास जो भी अच्छी जगह है वहां ले जाएंगे हमें, और फूड्स में ले जाएंगे, एंड यू लव इट। चले अप्पा, आप चलोगे? मुझे जाना है, मुझे भी कुछ एक्साइटिंग करना है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। चले, बस निकलने वाली है, कम ऑन। इस तरह से एटलीस्ट मुझे शगुन के साथ वक्त नहीं बताना पड़ेगा। यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शगुन आंटी, आप अभी भी साड़ी में है? आप डे ट्रिप पे नहीं चल रही? साड़ी में अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यू शुड चेंज। डे ट्रिप नहीं, एक्चुअली आलिया मेरे सर में दर्द है, तुम लोग जाओ, मैं रूम में रेस्ट कर लूंगी। तो शगुना दी, एक काम करते हैं, आई विल स्टे विद यू अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो अप्पा रह लेंगे आपके साथ, दैट विल बी बेटर। नहीं आलिया, आई विल बी फाइन, बस थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, आई फील बेटर, तुम लोग जाओ, यू विल एंजॉय। Are you sure? हाँ लिया, अपा ने प्लान बनाया, प्लीज कैरी ऑन। चलो चलो, बस निकलने वाली है, कम ऑन। आलिया सरप्राइज्ड होगी कि मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन इस वक्त मुझे उस आदमी को ढूंढना जिसके हाथ में वो टैटू था। Thank you.
अच्छा नहीं लग रहा आपको, कुछ और बना दो? नहीं, इट्स ओके। तो फिर खाओ ना। पता नहीं इश्मा और पापा दोनों को क्या हो गया, दोनों इतने टेंशन में लग रहे हैं। कुछ हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको तो पता है ना चित्ती, वैलेंटाइंस डे में कुछ ही दिन बाकी है और वो दोनों अपने लिए कुछ प्लान भी नहीं कर रहे और उनकी एनिवर्सरी भी आ गई है। कुछ प्रॉब्लम है, वो भूल गए हैं क्या? पीहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा कैसे काम का कितना स्ट्रेस लेते हैं, हर टाइम टेंशन टेंशन टेंशन। पर तुम्हें पता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही, उन्हें ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारे पापा से बात करूंगा और मैं उन्हें बोलूंगा कि इतनी काम की टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, बाकी घर की चीजों पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान दो, राइट? पीहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा एक हीरो है ना, तो टेंशन किस बात की है? वैसे रोमी चाचू, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है ना पीहू? अच्छा सुन, इशिमा और पापा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, सो यू डोंट वरी, और अब गुड बेबी की तरह आप खाओ। गुड गुड। बेचारी पीहू बहुत ज्यादा टेंस्ड है, पहले इतनी परेशान थी, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तो ये है सारी हिस्ट्री। वो परम है ना परम, अरे उसने सिम्मी को और भल्ला परिवार को बड़ा सताया है। हाँ सच कहती हूँ, बुरा तो वो छोटी बच्ची के लिए लगता है। क्या है, उसको अपने बाप की असलियत पता नहीं है ना, इसीलिए तो इतना प्यार करती है अपने बाप से। हाँ लेकिन देखो, जिस दिन उसे अपने बाप की असलियत पता चलेगी ना, नफरत करेगी उससे, सच कहती हूँ मैं। हाँ अपने कमरे में है, जीजू है उसके साथ। ओ, वो है उसके साथ। मेरी टर्न। फोर। ले, फिर पापा को सांप ने काट लिया। रमन। क्या कह रही थी कि आज भी ऑफिस जाओगे? आज भी मतलब रोज का मैं घर पे रोटियां बनाता हूँ। नहीं वो मैंने भी छुट्टी ले ली, तो आप भी छुट्टी ले लो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे आते भी देर होगी। देख फोन भी आ रहा है, मुझे जाना जरूर। अरे लो काट दिया फोन। पीहू पापा को समझा दो कि आज पापा को मुझे शॉपिंग पे ले जाना होगा, कुछ भी हो जाए, और जो ऑफिस के काम है वो चाचू हैंडल कर लेंगे। हो सकता है ना ये पॉसिबल? हो सकता है पॉसिबल? क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, तुझे क्या? अच्छा लिसन, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है अकेले में। अकेले में सोचते हैं ना, सीरियसली। चलो पापा, जस्ट कम विद मी। अरे तू पागल है क्या? फोन दे, ऑफिस से फोन आ रहा है, दिमाग खराब है, पी के आइए। रमन, पीयू के सामने रोमांस कर रही हूँ, पागल है? अरे अगर मैं रोमांस कर रही हूँ तो कोई कारण होगा ना उसके पीछे। तुझे कारण के साथ पार्टी का कभी नहीं है। बहुत दिन हो गए, अच्छे से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। रमन कितनी बातें करते हो आप, आपको पता है हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, और हमारी एनिवर्सरी पे ना क्या कर, मैं चाहती हूँ कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करें, हम कुछ स्पेशल करें हमारी एनिवर्सरी पे। आप ना बस मुंह सड़ाए बैठे रहते हो। एक बात बताओ, लास्ट टाइम हमने कब साथ में एंजॉय किया था? लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गई थी बाबा, तेरे को जरूरत है। रमन
हमने लास्ट टाइम डांस कब किया था? मुझे क्या पता? मैं कुछ भी तो नहीं पता रहता आपको. कुछ पता रहता है आपको? कुछ नहीं पता होता. रोमांटिक बोन तो है ही नहीं आप में. मैं फील क्रिएट करती हूँ. इसको क्या काट गया सुबह सुबह? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.